सोनाली बिल्डर्स गुना, हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य मात्र 1250 से शुरुआत, प्रीमियम कंस्ट्रक्शंस फिनिशिंग के साथ। अभी बुकिंग पर 3D एलिवेशन एवं संबंधित सारे नक्शे बिल्कुल। इंटीरियर एवं वास्तु क्रय हेतु एक्सपर्ट्स टीम, सभी बैंकों द्वारा होम लोन हेतु संपूर्ण सुविधा मुक्त। हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण कुमार जैन 9839-9893057151। इंजीनियर विकास झा 8770089448। दहशत में आया कुशवाहा समाज विहिप के बैनर तले SP को ज्ञापन देकर की बदमाशों पर कार्रवाई की मांग। कैंट थाने इलाके की एक बदमाश की वजह से हैरान परेशान क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा आज अपराह में विश्व हिंदू परिषद की जिला इकाई के बैनर तले SP को लेखी शिकायत पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग किए जाने का समाचार है। इस संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद की ओर से दिए गए ज्ञापन में कुशवाहा समाज के अनेक लोगों द्वारा मनोज शर्मा, शिवम शर्मा पंडा, अनुराग शर्मा व मनजीत रघुवंशी निवासी ग्राम धमनार द्वारा पिछले 3-4 दिनों से कुशवाहा समाज के लोगों से जबरिया गाली गलौज करने और हथियार लहराकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप यह कहते हुए लगाया है कि तुम लोग काम पर जाओगे तो रास्ते में जान से मार देंगे। यही नहीं, आरोपियों द्वारा देर रात में बहादुर कुशवाहा के घर में घुसकर मारपीट भी कर डाली गई है। इसी पर विहिप की जिला इकाई के बैनर तले लामबंद कार्यकर्ताओं ने कुशवाहा समाज के लोगों के साथ मिलकर ज्ञापन देते हुए आरोपियों को अद्यतन बताते हुए कार्रवाई की मांग की है ताकि मोहल्ला व शहर के माहौल को खराब होने से रोका जा सके। इस दौरान अनेक विहिप कार्यकर्ता व कुशवाहा समाज के लोग उपस्थित रहे। बरखेड़ा गांव के पास दो बाइकों की हुई टक्कर, एक महिला की मौत पर एक युवक और एक महिला घायल। गुना जिले के चांचोड़ा थाना के अंतर्गत कांदया खेड़ी खुर्द से एक युवक अपनी मां एवं पत्नी के साथ कामखेड़ा बालाजी के दर्शन कर लौटकर आते समय बरखेड़ा गांव के पास उसकी बाइक में दूसरी बाइक ने मारी टक्कर, मां की मौत हुई, पत्नी एवं स्वयं घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जीवन पुत्र राम प्रसाद अहिरवार उम्र 25 साल निवासी कांदया खेड़ी थाना चांचोड़ा से राजस्थान के कामखेड़ा बालाजी पर दर्शन करने अपनी मां सावित्री बाई उम्र 60 साल एवं पत्नी सपना बाई जीवन अहिरवार के साथ बाइक से लौट गया था। लौटकर आते समय नेशनल हाईवे 46 बरखेड़ा गांव के पास एक सामने से आ रही बाइक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें जीवन की मां सावित्री बाई की मौके पर ही मौत हो गई, पत्नी सपना बाई स्वयं घायल हो गया, उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो बाइक एक्सीडेंट हुआ है ना, उनका क्या नाम है, उसमें मौत हुई उनकी? नाम सावित्री बाई। उनके पति का नाम राम प्रसाद। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? दर्शन करके फिर कहाँ पे टक्कर हुई? काय टक्कर मारी वो जय मोटरसाइकिल थी, आमने सामने भिड़ंत हुई है। अच्छा, कहाँ पे? रोड पे गिर गई तो घर के गिरने के कारण सर पड़ गया उसमें। अच्छा, उनकी मौत हो गई। कौन के साथ गई थी? उसका मोड़ा था बेटा एक साथ। क्या नाम उसका? जीवन। कहाँ रहती है? कांदया खेड़ी खोड़ थाना चांचोड़ा। लाल परेड ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस की तैयारी हुई पूरी, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर करेंगे ध्वजारोहण। गुना में गणतंत्र दिवस से 26 जनवरी 2024 के जिला स्तरीय मुख्य समारोह जिला मुख्यालय के पुलिस लाल परेड ग्राउंड गुना में मध्य प्रदेश शासन प्रद्युमन सिंह तोमर प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे तथा प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री जी के गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन करेंगे। गुना जिला प्रशासन द्वारा लाल परेड ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। ध्वजारोहण के साथ ही मेहमानों को बैठाने के लिए उचित व्यवस्था की गई है, साथ ही सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 9 बजे मुख्य अतिथि का आगमन एवं ध्वजारोहण और परेड का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन, हर्ष फायर मार्च पास्ट के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण किया जाएगा। गुना में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किया नमो नव मतदाता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया शामिल हुए। जिले के युवा मतदाता साथी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना।
भारत का युवा भाजपा के जनसेवा के संकल्प में अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। युवा शक्ति ही है जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। सभी से मतदान करने की अपील की और जिन प्रतिभागियों ने अपने स्कूल में अच्छे नंबरों से स्कूल टॉप किया उन नव मतदाताओं को पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा मेडल बनाकर सम्मानित किया गया। बताइए, आज राष्ट्रीय मतदान दिवस है, इसके द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस प्रोग्राम युवा शक्ति एक नई पीढ़ी और स्कैम की खबरें हेडलाइन में छपती थी, हमारे लिए बहुत हमारे प्रति इतना स्वस्थ विचार रखा। बहुत बहुत सभी राष्ट्रीय मतदान दिवस की आप लक्ष्मीनगर में विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने से अंधेरे में रहने को मजबूर, लोग आवेदन देने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। गुना जिला मुख्यालय पर सकतपुर क्षेत्र के लक्ष्मीनगर में बिजली कंपनी का ट्रांसफार्मर खराब होने से लक्ष्मीनगर के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया गुना कलेक्टर एवं विद्युत कंपनी में भी लक्ष्मीनगर का ट्रांसफार्मर बार बार खराब होने की शिकायत आवेदन देकर कर चुके हैं, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। वहीं लक्ष्मीनगर में बिजली के खंभों पर शॉर्ट सर्किट होने से केबल भी जल चुकी है। ट्रांसफार्मर बार बार खराब हो जाता है जिससे बिजली ना मिल पाने से लोगों के घरों में नलों से पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं बच्चे रात में पढ़ नहीं पाते, परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है लेकिन बिजली ना होने से बच्चे रात में पढ़ नहीं पाते। लक्ष्मीनगर के लोगों ने जिला प्रशासन से ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की है। क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता। कहाँ रहते हैं? लक्ष्मीनगर में जी। बताएं क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? अरे पिछले एक महीने से जो डीपी से परेशान है, एक दिन लाइट आती है और 8 दिन गोल होती है। बिजली वगैरह पानी की भी समस्या है। दूसरी चीज बच्चों के एग्जाम नज़दीक है, सबसे बड़ी चीज ये 10th 12th के एग्जाम है और अब लाइट के बगैर कैसे पढ़ें बच्चे। दिन में स्कूल चले जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, और क्या। शिकायत की इसकी? शिकायत कलेक्ट्रेट में है, कितनी बार कर दी शिकायत, कोई सुनवाई ही नहीं होती। अभी तक तो कोई विधायक के पास में भी आवेदन दे दिया, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में भी आवेदन दिया 4-6 बार, कोई आता ही नहीं है, कोई सुनने कोई तैयार नहीं, क्या कर सकते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लाला राम ओझा। कहाँ रहते हो? यही लक्ष्मीनगर में। बताया क्या समस्या आ रही है? समस्या जी है साहब, लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या खराब है, लाइट नहीं आ रही 3-4 दिनों से और नल नहीं आ रहा है। लाइट नहीं है तो नल कहाँ से आएंगे, और बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे, हमारे स्कूल जा रहे हैं, रात के आते हैं, ट्यूशन वूशन कुछ नहीं पढ़ पा रहे, यहाँ बहुत सारी समस्या है जी लाइट बिना। शिकायत की इसकी? शिकायत कर दी। क्या 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 बोल नहीं भाई, कई बार शिकायत कर आए। कितने दिनों से परेशान हो रहे हो? मतलब अब 3-4 दिन से हो रहे हैं, डीपी जो लोड नहीं दिए, डीपी फूक गई, फिर बदल भी दिन से कहते हैं तो कोई नहीं सुने। जी क्या नाम है आपका? रवि रजक। कहाँ रहते हो? लक्ष्मीनगर सकतपुर रोड। जी बताएं क्या समस्या है? अरे ये डीपी परेशान कर रही है, आए दिन खराब हो जाती है, कोई नहीं आता इसको देखने के लिए, बार बार शिकायत भी कर दी, आवेदन भी दे चुके हैं हम विद्युत मंडल में, कोई नहीं आता कार्रवाई करने। ये इधर ये पूरी लाइन फॉल्ट है, ये डीपी पानी की मेरा बहुत जोर से परेशान है, ना नल चलते ना कुछ, बहुत जोर से परेशान है सभी लोग पूरे नगर वासी। कब से लाइट नहीं आ रही? लाइट नहीं आ रही परसों से। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? पानी का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है और बहुत सी समस्याएं हैं, पानी लाइट नहीं आ रही तो पानी से बैठे हैं सब लोग, मोटरें नहीं चल रही, पानी नहीं आ रहा, ट्रेस होने की दिक्कत है, कहाँ जा। कितनी बड़ी कॉलोनी है और कितने लोग रहते होंगे इसमें? 350-400 घर होंगे, 350-400 घरों की बस्ती है ये। शिकायत की आपने इसकी? शिकायत भी की, आवेदन भी दिए, हम गए थे अभी कल ही गए थे, हम बहुत सारे लोग गए थे आवेदन देने के लिए, विद्युत मंडल में भी शिकायत करी हमने, कोई आता ही नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया खेलो भारत कार्यक्रम का आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में खेलो भारत के माध्यम से खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 23 जनवरी से प्रारंभ होकर 27 जनवरी तक चलने वाला है। इस दौरान हॉकी, खो खो, कबड्डी, जूडो सहित अन्य खेल गतिविधियां श्यामा प्रसाद खेल मुखर्जी परिसर में आयोजित की जाएंगी। 23 जनवरी को हॉकी ग्राउंड में कार्यक्रम का शुभारंभ करते बीईओ गुना मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जिन्होंने परिषद को आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया। साथ ही एसएल मेमोरियल स्कूल के संचालक संतोष यादव ने भी खिलाड़ियों में उत्साह भर कार्यक्रम की शुभकामनाएं दी। इस प्रकार तृतीय दिवस खो खो प्रतियोगिता 24 जनवरी को संपन्न हुई, तृतीय दिवस कबड्डी प्रतियोगिता 25 जनवरी को इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुई।
इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य बी के तिवारी उपस्थित रहे। इन प्रतियोगिताओं में लगभग 1000 छात्र छात्रा खिलाड़ी सहभागिता कर रहे हैं। ये कार्यक्रम संयोजक शिवराज सिंह भदौरिया, क्रीडा भारती के जिला मंत्री अजय प्रजापति, सह मंत्री मोहित साहू जी के नेतृत्व में संपन्न किया जा रहा है। कार्यक्रम का समापन 27 जनवरी को सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। जी बताएं, किन प्रतियोगिता चल रही है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो छात्रों के बीच रहकर साल के 365 दिन काम करता है। एबीवीपी द्वारा खेलो भारत नामक आयाम के माध्यम से खेल महोत्सव का आयोजन स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसके तहत हॉकी, खो खो, कबड्डी ऐसे विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं हॉकी ग्राउंड से शुरू हुई थी 23 जनवरी को, जिसके बाद आज 25 जनवरी को कबड्डी का मैच इंडो स्टेडियम पीजी कॉलेज में चल रहा है। ये सभी मैच सर शिवराज सिंह भदौरिया जी के नेतृत्व में चल रहे हैं और इनका समापन 27 जनवरी को पीजी कॉलेज के हॉल नंबर 4 में किया जाएगा, जिसमें सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण कर इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। गुना कलेक्टर ने नए वोटर्स को दिए टिप्स, बोले चुनाव की प्रक्रिया के साथ पहले दिन से जुड़ना बहुत जरूरी, झिझक छोड़े। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, इस मौके पर मुख्य कार्यक्रम पीजी कॉलेज में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस, अपर कलेक्टर मुकेश कुमार शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और नव मतदाताओं को संबोधित करते हुए मतदान का महत्व बताया। जिलाधीश ने नव मतदाताओं का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में शपथ दिलाई गई। इस बारे में शायद बात अभी नहीं हुई, वो ये है कि हम ये बात कर रहे हैं कि आप सभी लोगों का इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए, हम ये बात कर रहे हैं कि आपको जाके मतदान करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम ये बोल रहे हैं कि जो जिस सरकार के द्वारा हम सभी को गवर्न किया जा रहा है, उस सरकार के चयन में हमारे देश के, हमारे ज़िले के सभी वोटर्स की सहभागिता होनी चाहिए। बट व्हाट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है उसके साथ डे वन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये 5 साल का एक साइकिल है और सब वोटर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिकल हो इन द सेंस कि आप लोगों को इस बात की जानकारी लेने का भरसक प्रयास करना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स के लिए, विशेषकर यंग वोटर्स के लिए, जैसा सीसी साहब ने भी मेंशन किया कि एक उदासीनता होती है वोटिंग के प्रति, एक रेजिस्टेंस होता है, हेजिटेंस होता है। उस रेजिस्टेंस और हेजिटेंस को ओवरकम करने का तरीका यह है कि आप इन्वॉल्व्ड रहे। अगर आप डे वन से इन्वॉल्व्ड हैं, डे वन से इंटरेस्टेड हैं, डे वन से क्यूरियस हैं, तो बाय द टाइम आपको वोट करने का वक्त आता है, आपको ये जानकारी होती है कि वोटिंग के मुद्दे क्या हैं, आपके इश्यूज क्या हैं, आपके कंसर्न्स क्या हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इस बारे में इंटरेस्ट नहीं होगा, इस बारे में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो ये बहुत ही चिंताजनक है, स्पेशली यंग वोटर्स में। तो क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो लार्जली यंग वोटर्स की तरफ ही एम्ड होता है, 18-19-20 ईयर ओल्ड्स, और यही कारण है कि हम एनवीडी को यहाँ सेलिब्रेट करते हैं आप लोगों के बीच में, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं। तो एक तो मेरा पर्पस आपके बीच में बात करने का है वो ये है कि ये This is on not only 2023 or 2024 or 2018, 2019. It is not about that. It is about having a mentality, having a mindset कि मैं day one से involved रहूँगा और engaged रहूँगा और अपनी expectations को express करूँगा in the form of my vote. Vote is only an expression. और आप expression के प्रति कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे अगर आप सजग नहीं हैं। तो वो दिनांक एक है जब आप जाके वोट डालते हैं, बट उस तारीख के पहले का ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस ड्यू डिलिजेंस के बारे में कई बार बात नहीं होती। तो एक तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप शेड दिस रेजिस्टेंस, शेड दिस हेजिटेंस और थोड़ा सा एक्टिवली एंगेज करें इस प्रोसेस के साथ।
पॉइंट मेरा है वो अगेन सीसी साहब के द्वारा उसको एक बार रेज कर दिया गया, दैट इज विद रिगार्ड टू मिस इन्फॉर्मेशन. आप सभी लोग आई एम वेरी श्योर सोशल मीडिया पे लगभग, अगर मैं आपसे बोलूंगा हाथ खड़ा करके बताएं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि 100% होगा यहाँ पे. मतलब मुझे उल्टा ये पूछना चाहिए, मैं पूछना चाहूंगा इनफैक्ट, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं हैं? और उन्होंने लगभग सभी जो पहलू हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए वो बता दी. मैं बहुत ही ब्रीफली आपको केवल ये बोलना चाहूँगा कि नॉलेज इज पावर, आप सब लोग जानते हैं, बड़ा कॉमन कोट है. बताइए सर, आज 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को संबोधित कर छात्रों को सुनाया और बोर्ड जैसा कुछ नहीं, इस टीम पे बच्चों से आग्रह किया कि वो अपना वोट जरूर डालें, अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं, अपना एपिक कार्ड बनवाएं. क्या शुभनाम आपका? मैं डॉक्टर बीके तिवारी, प्रिंसिपल पीजी कॉलेज खंडवा. वन विभाग ने केंद्रीय विद्यालय गुना के विद्यार्थियों के साथ संपन्न किया अनुभूति कार्यक्रम, योग से स्वस्थ रहने व प्रकृति से जुड़ने का भी दिया संदेश, प्लास्टिक मुक्त रहा संपूर्ण अनुभूति कार्यक्रम. गुना में वनमंडल के अंतर्गत गुना दक्षिण वन परिक्षेत्र ने पीएम केंद्रीय विद्यालय गुना के विद्यार्थियों के लिए अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया. ये अनुभूति कार्यक्रम मध्य प्रदेश इको डेवलपमेंट बोर्ड एवं मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा हर वर्ष प्रदेश के संपूर्ण जिलों में आयोजित किया जाता है. वनों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण के उद्देश्य से, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम बच्चों को गादेर बीट के अंतर्गत जंगल में योगाचार्य महेश पाल द्वारा योग करवाकर योग से स्वस्थ रहने व प्रकृति से जुड़ने का संदेश दिया. योग अभ्यास के अंतर्गत आसन प्राणायाम व शीतली प्राणायाम का अभ्यास कराया. शीतली प्राणायाम ये प्राणायाम है जिसके द्वारा जब हम ऐसी जगह पर हों जहां पानी ना मिले और हमारी बॉडी को अत्यधिक पानी की आवश्यकता हो, तब उस समय शीतली प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी प्रयास को कंट्रोल कर सकते हैं और अतिरिक्त रूप से अपने शरीर के अंदर पानी की मात्रा को पूर्ण कर सकते हैं. इसके पश्चात बच्चों को पैदल भ्रमण करवाया गया. भ्रमण के दौरान विभिन्न प्रकार की वनस्पति, विभिन्न प्रकार के वृक्षों व उनके साइंटिफिक नाम से भी बच्चों को परिचित कराया गया एवं उनकी औषधीय उपयोग के बारे में भी बताया गया, जिसमें सागवान, वन तुलसी, तेंदू, बीजा वृक्ष, कैच, छोला, अमलतास, इसके अलावा विभिन्न अन्य प्राणियों के महत्व एवं आवास से भी परिचय कराया गया, जिसमें शेर, बाघ, चीता, नीलगाय, हिरण, इसके पश्चात गोपी कृष्ण सागर बांध पर पर्यावरण विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया एवं कार्यक्रम की थीम में भी बाघ विषय पर नुक्कड़ नाटक विष्णुझा एवं उनके टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया. पूरे कार्यक्रम के दौरान प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया और विद्यार्थियों को प्लास्टिक मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया. केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने व्यक्तिगत रुचि जैसे गायन, कविता पाठ आदि का प्रस्तुतिकरण किया. कार्यक्रम का संचालन वन परिक्षेत्र अधिकारी विवेक चौधरी, वरिष्ठ के अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ. अंत में प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को पुरस्कार वितरण किया गया. ये कार्यक्रम प्रभारी दुर्गेंद्र सिंह जाट, परिक्षेत्र सहायक गादेर के नेतृत्व में समस्त वन परिक्षेत्र गुना दक्षिण के स्टाफ द्वारा आयोजित कर संपन्न किया गया. फॉरेस्ट ट्रिप हुआ था केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, वन विभाग की ओर से, जिसमें विद्यार्थियों ने वृक्षों के बारे में और वनस्पतियों के बारे में, औषधियों के बारे में जाना, जिसमें ये जो ट्रिप स्टार्ट हुआ वो योग अभ्यास के माध्यम से प्रारंभ हुआ. योग अभ्यास के क्षेत्र बच्चे आगे बढ़े और ट्रिप में बच्चों ने बहुत सारी नई जानकारियाँ सीखी, प्रकृति से जुड़ने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी उन्हें चीज़ें सीखने को मिली जिससे कि उनके जीवन में काम आए और प्रकृति को हम कैसे बचा सकते हैं, ये वन विभाग द्वारा ये संदेश भी दिया गया. वन विभाग से हमारे विवेक चौधरी जी और एवं अंजलि चौधरी जी के मुख्य अतिथि के, उनके मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से पूरे वन विभाग ने पूरा जंगल भ्रमण करवाया विद्यार्थियों को और बताया हर पौधे, हर वृक्ष के बारे में, उनके लाभों के बारे में और साथ में ही इन चीज़ों को हम कैसे मैनेज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और वन प्रकृति संपदा से जुड़कर हम अपने स्वास्थ्य को भी कैसे उत्तम बना सकते हैं, हमारे वन्य जीवों को भी कैसे बचा सकते हैं, इसी में विशेष जानकारी दी गई. और साथ में ही मैं योगा सर महेश पाल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद.
प्रथम भागेश्वर धाम महिला समिति ने की कथावाचक इंद्रेश महाराज से भेंट, लिया आशीर्वाद। गुना में प्रथम भागेश्वर धाम महिला समिति द्वारा द ग्रैंड गिरधर होटल में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय महाराज से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष लक्की सक्सेना सहित अन्य महिला सदस्यों ने महाराज जी को समिति द्वारा किए जा रहे सनातन के प्रचार प्रसार और सामाजिक कार्यों से अवगत कराया है। इंद्रेश उपाध्याय महाराज ने भी नारी शक्ति द्वारा किए जा रहे सनातन कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सनातन और धर्म का कार्य करना हर एक सनातनी का कर्तव्य है। महिला सदस्यों ने कहा कि उनके लिए आज का दिन बड़ा है, महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और कथा का श्रवणपान भी किया। ज्ञात हो कि सामर सिंघा परिवार द्वारा द ग्रैंड गिरधर होटल में इंद्रेश जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद भागवत कथा का वाचन कराया गया। इसी कड़ी में भागेश्वर धाम महिला समिति के सदस्यों द्वारा इंद्रेश उपाध्याय महाराज से होटल में भेंट की गई। इस मौके पर समिति की लकी सक्सेना, पिंकी सक्सेना, पूनम कुलश्रेष्ठ, सीमा शर्मा, शशि परिहार, नीतू परिहार, चंद्रा श्रीवास्तव एवं प्रथम भागेश्वर धाम महिला समिति गुना की कई बहनें मौजूद रहीं। सोलह रोगियों को मिलेगी नेत्र ज्योति। स्थानीय बूढ़े बालाजी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज आयोजित शिविर के दौरान लॉयंस नेत्र चिकित्सालय की टीम द्वारा 16 रोगियों को चिन्हित कर लॉयंस नेत्र चिकित्सालय में भर्ती किए जाने का समाचार है। इन सभी के निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन नेत्र विशेषज्ञों द्वारा किए जाएंगे। केंद्र पर आज आयोजित शिविर के दौरान लॉयंस नेत्र चिकित्सालय के ऋषि भार्गव व उनकी टीम द्वारा 72 से अधिक रोगियों के नेत्र परीक्षण कर उपचार सलाह दी गई। इस दौरान 16 रोगियों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित कर लॉयंस ने चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जबकि शेष सभी को उपचार सलाह के साथ ही निशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। इस दौरान केंद्र पर डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी ने 100 से अधिक स्वास्थ्य का परीक्षण कर दवाएं देते हुए उनका उपचार शुरू किया। इस दौरान 40 रोगियों के ब्लड प्रेशर व 40 रोगियों के डायबिटीज की भी जाँच की गई। शिविर में 15 गर्भवती महिलाओं का परीक्षण कर ANM उमा ठाकुर ने किया। इस दौरान हाई रिस्क गर्भवती महिला को आयरन सुक्रोज का टीका भी लगाया गया। शिविर में सभी स्टाफ सदस्यों ने रोगियों की परीक्षण में सहयोग दिया।